इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9 बज गए हैं और आपके लिए मैं लेकर आई हूं सुबह के 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। खबरों में आपको दिखाएंगे मिशन ऑक्सीजन से कैसे कम हो रहा है देश के अस्पतालों का ऑक्सीजन संकट और क्या दिल्ली में बढ़ने वाला है लॉकडाउन। इस वक्त देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। लगातार चौथे दिन कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद 3 लाख के पार दर्ज की गई है, लेकिन वायरस की इस हाहाकार के बीच सरकार एक्शन में है। चाहे वो ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के वार्ड लेवल पर कोशिशें हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई हो या जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो, फिर भी कोरोना की स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार एक कदम चलती है तो कोरोना 2 कदम और आगे बढ़ जाता है। देश में कोरोना ने आज भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 3,48,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। इस दौरान भारत में 2,760 लोगों की मौत हो गई। भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 26,70,000 से ज्यादा है। वहीं करीब 2,15,000 लोगों को इलाज के बाद ठीक भी किया जा चुका है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की लाइन लगी हुई है, इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। कहीं अस्पतालों में बेड्स के लिए मारामारी है तो कहीं ऑक्सीजन की किल्लत और न दवाएं मिल पा रही हैं। कोरोना ने देश के मेडिकल सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। देश का ये हाल तब है जब टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 13,80,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि आज दिल्ली सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे खत्म होने को है। इससे पहले ही सरकार को फैसला लेना है और इसीलिए आज ही लॉकडाउन को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़ चुके हैं। कुमार, कल सुबह 5 बजे लॉकडाउन खत्म होना है, जो 1 हफ्ते के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन हालात कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में आसार तो पूरे यही है कि शायद लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए। देखिए ज्योति, इस वक्त सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और 19 अप्रैल रात 10 बजे ये लॉकडाउन लगा था, जिसकी अवधि सोमवार सुबह 5 बजे यानी कि कल सुबह 5 बजे खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा सरकार को आज ही ये फैसला लेना होगा कि लॉकडाउन कितना बढ़ाना है, कब बढ़ाना है और किस तरीके की उसमें जो है ना छूट हो या फिर रियायतें रहेंगी। हालांकि जो हमारे भी सूत्र ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज में सरकार ये फैसला ले सकती है लॉकडाउन बढ़ाने का, लेकिन सरकार के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लगातार दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, बेड की क्राइसिस है, वेंटिलेटर का क्राइसिस है, ऑक्सीजन जो है दिल्ली के अस्पतालों में नहीं है, लोगों को अलग से सिलेंडर में भी नहीं मिल रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कतें हैं। इसके अलावा लगातार सरकार दूसरे राज्यों से भी बात कर रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चिट्ठियां लिखी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कि ऑक्सीजन के लिए मांग की, लेकिन इस वक्त अगर स्थिति देखी जाए तो सरकार के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मिलाकर इस 1 हफ्ते में अगर देखें तो दिल्ली में हालात कंट्रोल होना लॉकडाउन में तो दूर की बात, हालात और ज्यादा बेकाबू होते चले गए हैं कोविड संकट की वजह से। कुमार बने रहेगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने का नाम, ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मॉडल टाउन इलाके में पेंटामेड अस्पताल में भी बताया जा रहा है कि अब ऑक्सीजन क्राइसिस हो गई है। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि रिफिल स्टेशनों से ऑक्सीजन की सिलेंडर भरकर वापस नहीं आ पा रही है, लिहाजा मरीजों के जान को बचाना अब मुश्किल हो रहा है। अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और इसीलिए ऑक्सीजन की फौरन जरूरत है। वहां से गैस रिफिल कराने के लिए, मगर एक्चुअली वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि नंबर ही नहीं आ पा रहे, लोग परेशान हैं, वहाँ लाइनों में लगे हुए हैं, रो रहे हैं और रिफिल नहीं हो रहे। जो लोग 50 सिलेंडर मांगते हैं उनको 5 सिलेंडर भर के दिए जाते हैं। इस तरह पेशेंट को कैसे हम बचा पाएंगे, और सारे पेशेंट कोविड के ऑक्सीजन की सपोर्ट पर ही रहते हैं, कुछ कम और कुछ ज़्यादा। मेरे हॉस्पिटल में करीब 50 के आसपास पेशेंट हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल रहे हैं, कुछ वेंटिलेटर पर भी हैं, और उनको बचाना बहुत जरूरी है।
कुमार सोनू लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कुमार, जो कल भी आपने रिपोर्ट भेजी थी दिल्ली के अस्पतालों से, एक तरफ काउंटडाउन खत्म हो रहा था तो दूसरी तरफ सिलेंडर पहुंच रहे थे अस्पतालों में। आज पेंटामेड से भी ऐसी कुछ खबर आ रही है, क्राइसिस किस हद तक है वहां पर? देखिए, ये दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पड़ता है। दिल्ली का मॉडल टाउन जो है वो जो है नॉर्थ दिल्ली का इलाका है और वहाँ पर ये पेंटामेड हॉस्पिटल है जहाँ पर 50 के करीब मरीज हैं कोविड के, जिसमें से 5 वेंटिलेटर पर हैं, बाकी 45 यानी 45 मरीज जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। इन्होंने दो जगह से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मांगी है, दो प्लांट पर अपनी गाड़ियां भेजी हुई है, एक बहादुरगढ़ के पास है तो दूसरा बवाना के पास प्लांट है, वहाँ पर सिलेंडर फिलिंग के लिए भेजी है। लेकिन इनका साफ ये कहना है दीपक सेठी जो मैनेजर है अस्पताल के कि सर घंटों लाइन में लगने के बाद भी महज थोड़ी थोड़ी जो है ऑक्सीजन मिल रही है। फिलहाल पेंटामेड अस्पताल के पास 11 बजे तक का स्टॉक है, अगर 11 बजे तक ऑक्सीजन अस्पताल को नहीं मिली तो अस्पताल में जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं या वेंटिलेटर पे हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। लगातार सरकार से भी सपोर्ट में है, मांग रहे हैं, सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। ज्योति, पॉजिटिव रिस्पांस यानी अब तक नहीं मिला और 11 बजे तक का ऑक्सीजन है जो अस्पताल प्रशासन ने बताया। हम उम्मीद बस यही करते हैं, दुआएं करते हैं कुमार की जयपुर गोल्डन जैसे हालात यहां देखने को ना मिले, वक्त से पहले ऑक्सीजन पहुंच जाए तो अच्छा होगा। शुक्रिया आपसे, अपडेट्स लेते रहेंगे दिन भर की तमाम खबरों पर। इधर दिल्ली में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। शनिवार को कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए, वहीं बीते 24 घंटे में 357 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इस बीच ऑक्सीजन की कमी से अभी भी दिल्ली जूझ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि एक एक अस्पताल को समय रहते ऑक्सीजन सप्लाई वक्त पर करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी खत लिखकर ऑक्सीजन और सिलेंडर मुहैया करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन की कोई फैक्ट्री नहीं है, ऑक्सीजन का कोई प्रोडक्शन दिल्ली में नहीं होता, तो अस्पतालों में ऑक्सीजन इसीलिए जल्दी खत्म हो रही है। ऐसे में जो दूसरे राज्य हैं जिनके पास अगर ऑक्सीजन जरूरत से जरा भी अधिक हो तो वो दिल्ली को मुहैया कराने में मदद करें। अब आपको दिल्ली का कोरोना मीटर दिखाते हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 24,103 मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 357 संक्रमित लोगों की जान चली गई। वहीं दिल्ली में इस वक्त कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं वो 93,080 बताए जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में क्या अपील की है। मैं ये चिट्ठी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिख रहा हूं। यदि उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो दिल्ली को ऑक्सीजन देने का अनुरोध करूंगा। हालांकि केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, लेकिन कोरोना की गंभीरता ऐसी है कि सभी उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता और ना ही यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। ऐसे में आपसे जो भी सहयोग हो सकता हो जरूर कीजिए। ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ साथ वायुसेना के विमान भी अब एक्शन में है। मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कंटेनर्स की कमी को दूर करने के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक कंटेनर्स लेकर बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पहुंचा। C-17 ग्लोबमास्टर ने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट के लिए शनिवार सुबह उड़ान भरी थी और शाम होते होते कंटेनर्स लेकर वापस आ गया। इन कंटेनर्स को अब ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों के पास भेजा जाएगा जहां से उसे रिफिल कर ऑक्सीजन सप्लाई पूरी की जाएगी। इधर महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती चली जा रही है। शनिवार को कोरोना के एक बार फिर से 67,000 से ज्यादा मामले एक ही दिन में सामने आए। बीते 24 घंटे में 67,160 कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो इस दौरान 676 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन संकट जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में सीएम उद्धव ठाकरे ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की। उद्धव ठाकरे की चिट्ठी पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र को 4,35,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का ऑर्डर जारी किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की भीड़ को देखते हुए बीएमसी एक्टिव हुआ है। अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के एडमिशन के लिए बीएमसी ने एक वार्ड वॉर रूम बनाया है। ये वार्ड वॉर रूम हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे काम करेगा। बीएमसी का ये वार्ड वॉर रूम मरीजों की गंभीरता और उनके टोकन नंबर के आधार पर रूम अलॉट करेगी।
यानी आप किसी मरीज को डायरेक्टली अस्पताल में जाकर भर्ती होने की जरूरत नहीं। बीएमसी ने लोगों से किसी भी तरह की पैरवी से बचने की अपील की है, साथ ही इस काम में लोगों से सहयोग मांगा है। बीएमसी ने कहा है कि अगर वार्ड वार्डरूम से किसी मरीज को शिकायत है तो वो 1916 नंबर पर शिकायत करे। एक तरफ बीएमसी मरीजों के लिए नए नए बड़े बड़े दावे कर रही है तो दूसरी ओर पोल भी खुल रहे हैं। एक तरफ लोग ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी से परेशान हैं तो दूसरी ओर मुंबई में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर भी शिकायतें आने लगी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो टीका लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं सेंटर पर वैक्सीन ही खत्म हो जाती है और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। बांद्रा का ये जंबो सेंटर जहां पर वैक्सीनेशन के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, यहां पर भी लोग परेशान हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम तपन शाह है, मैं बॉम्बे से आया हूं, ग्रैंड रोड से। ग्रैंड रोड से आप यहां पर आया हूं बिकॉज यहां से 3 से 5 का स्लॉट दिया गया था और कंफर्म, लेकिन अभी यहां बोलते हैं वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं है, खत्म हो गया। और बॉम्बे में भी कोई हॉस्पिटल में नहीं है। फर्स्ट डोज ले आज मोर देन 6-7 वीक हो गया है, बॉम्बे में भी कोई हॉस्पिटल नहीं देती है, कोविशील्ड किधर भी नहीं है। बोले ये सब ब्लैक मार्केटिंग का ही धंधा है। वही चल रहा है अभी, वही चल रहा है। हम लोग इतनी बार रजिस्ट्रेशन करवाया है फिर भी ये लोग नहीं है, अंदर नहीं जाने देते, कोई को जाने देते कोई को नहीं जाने देते। ये सब तो गलत ही है, टोटली गलत है। आप फिर रजिस्ट्रेशन ही मत करो ना, क्यों कर रहे हो? यहाँ बंद कर दिया गया है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए आए? हाँ जी। क्या बता रहे हैं? वैक्सीन खत्म हो गया बोल रहे हैं। वैक्सीन खत्म हो गया। क्या रीजन, क्या समझते हैं? अभी लोग कभी मिलेगा क्या मालूम, अभी बताया हम लोग मिला नहीं, अभी जा रहा हूँ। 7 में गया था उधर भी स्टॉक खत्म होता है, इधर आया तो इधर भी स्टॉक खत्म है। मुंबई की जो परेशानियां हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं। कहीं बेड्स नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। बेड्स की कमी तो हर एक अस्पताल में है, और ये जो जंबो सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर लोग दूर दूर से भी आए हैं, स्लॉट्स होने के बावजूद उनको ओके मिलता है कंप्यूटर में स्लॉट में, और यहाँ आकर बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है। इधर मध्य प्रदेश में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच आज एक अच्छी खबर भी है। राहत की बात है कि झारखंड के बोकारो और गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में ये ऑक्सीजन बोकारो और जामनगर से पहुंचेगा। 2 छोटे टैंकर से ऑक्सीजन बोकारो से ग्वालियर पहुंचेंगे, 1 टैंकर से ऑक्सीजन जामनगर से भोपाल पहुंचेगा, 1 टैंकर से ऑक्सीजन जामनगर से इंदौर पहुंचेगा। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने रेलवे से कोविड कोचेस भोपाल और हबीबगंज स्टेशन पर लगाने की अपील की है। शिवराज सरकार ने 20 कोविड केयर कोच पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर लगाने की अपील की है। रेलवे आज ये कोच राज्य सरकार को सौंप भी देगी ताकि कोविड मरीजों का समुचित इलाज मिल पाए। इस बीच इंदौर पुलिस ने उन लोगों की जमकर मदद की जो कोरोना काल के मारे हैं। इंदौर में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए पुलिस फरिश्ता बनकर आई। पुलिस ने माइग्रेंट लेबर्स और गरीब लोगों को बिठाकर खाना खिलाया। यहाँ इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने अपने पास के इकट्ठे किए गए पैसों से इन लोगों की मदद की कि आने वाले वक्त में इन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारे साथियों में से एक अन्य व्यक्ति आगे चल रहा है, उसके पास 350-350 रुपये हैं, और कहीं भी खाने की कुछ व्यवस्था मिलती तो हम इस 350-350 रुपये में सब खा लेंगे। मैंने कहा आप लोग 25 से 30 लोग हो तो आप कैसे खाना खा पाओगे इतने पैसे में? तो बोल रहे हैं कि सर जो भी होगा हम लोग कर लेंगे। फिर मेरे पास करीबन उस टाइम पे मेरे पास 800 रुपये या 1-2 हज़ार रुपये रखे थे, तो मैंने उस 800 रुपये में से और कुछ पैसे ATM से निकाल कर उन सारे मजदूर भाइयों को वितरित कर दिए थे। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मरीजों की जान जाने लगी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में स्टील और लोहे के प्लांट्स को बंद करने का आदेश दिया है। पंजाब में मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया। इसके अलावा राज्य और जिला स्तर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की तत्काल स्थापना करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में शनिवार को ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 मरीजों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक फिलहाल पंजाब में प्रतिदिन 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड है, जबकि ये आने वाले दिनों में बढ़कर 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन बढ़ सकती है, और इसीलिए पंजाब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। पंजाब में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी है कि वजह ये है कोरोना की जबरदस्त लहर। अस्पतालों में कोविड पेशेंट का ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रहा है। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 5,663 लोग कोरोना संक्रमित हुए और इस दौरान 92 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा लुधियाना में करीब 861 मरीज सामने आए। वहीं पंजाब में एक्टिव मरीजों की संख्या 46,000 के पार पहुंच चुकी है।
देश में कोरोना के कहर के बीच भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत जारी की है। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। कोरोना की कराह में देश तड़प रहा है। उम्मीद की एक किरण दिखती है, वैक्सीन। तो उसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने अपने टीके की कीमत का ऐलान कर दिया है। राज्यों को कोवैक्सीन की एक डोज 600 रुपए में दी जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए दोगुनी कीमत देनी होगी, यानी एक डोज 1200 रुपए में मिलेगी। इसके पहले कोविशील्ड अपने वैक्सीन की कीमत का ऐलान कर चुका है। राज्य सरकारों को एक डोज 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज की कीमत 600 रुपए है। भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट दोनों केंद्र सरकार को पहले से 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप 1 मई को वैक्सीनेशन के नेक्स्ट फेज में इंजेक्शन लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो कोवैक्सीन के 2 डोज अगर सरकारी अस्पताल से लगवाते हैं तो आपको देने होंगे 1200 रुपए, और अगर आप कोविशील्ड चुनते हैं तो आपको चुकाने होंगे 800 रुपए। लेकिन यही वैक्सीन अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल से लगवाना चाहेंगे तो कोवैक्सीन की 2 डोजेज आपको 2400 रुपए की पड़ेंगी और कोविशील्ड की 2 डोज आपको 1200 रुपए की पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए क्या 34 घंटे के लॉकडाउन से जम्मू कश्मीर में वायरस पर लगेगी लगाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।